हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर काजल मांगोकिया, प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट सिंस लास्ट 15 इयर्स एट सूरत। नमस्कार। आज हम जो क्वेश्चन लेने वाले हैं, कमेंट बॉक्स में सवाल आया है कि क्या मैडम लेप्रोस्कोपी करने से बेबी होगा। एक ट्यूब ब्लॉक है और एक साइड के ट्यूब में इन्फेक्शन है, तो इसके लिए क्या ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। सो पहले तो लेप्रोस्कोपी जो है वह एक प्रोसीजर है जिसमें निदान होता है कि वेदर आपके फेलोपियन ट्यूब ओपन है या बंद है, अगर बंद है तो कौन से लेवल पे बंद है और क्या उसके रीजंस हो सकते हैं। जैसे आपका जो केस आपने जो डिस्क्राइब किया है कि एक बाजू का ट्यूब ब्लॉक है और दूसरे में इन्फेक्शन है, तो वेरी हाई चांसेस, जैसे अपने जो इंडियन पॉपुलेशन है उसमें ट्यूबरक्यूलोसिस का यानी कि टीबी का जो इन्फेक्शन होता है, दैट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ट्यूबल ब्लॉकेज। तो एक साइड का ट्यूब ब्लॉक है, दूसरे में इन्फेक्शन, तो यह इन्फेक्शन जो है वो टीबी का इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा है। तो आपका एक बायोप्सी हम कर सकते हैं जिसमें ट्यूबरक्यूलोसिस कंफर्म करके उसके बाद उसका 6 मंथ्स का जो मेडिसिन का कोर्स आता है वो आप कर सकते हो, और उसके बाद अगर आपके दोनों फेलोपियन ट्यूब नॉर्मल हो जाते हैं, दोनों बाजू के फेलोपियन ट्यूब ओपन हो जाते हैं, फ्री स्पिलेज आता है डाई का, तो आफ्टर दैट आप नेचुरल प्रेगनेंसी के लिए कोशिश कर सकते हैं। यदि आपके जो AMH वैल्यू है और सीमेन एनालिसिस जो है आपके हस्बैंड का वह भी नॉर्मल है, तब अगर वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम है यानी कि पुअर ओवेरियन रिजर्व है या तो सीमेन एनालिसिस एबनॉर्मल है, तो वह हिसाब से आपका ट्रीटमेंट का ऑप्शन आपको दिया जाएगा। सो अगर आपको और डिटेल में इसके बारे में जानकारी लेनी है तो आप ऑनलाइन कंसल्टेशन भी बुक करवा सकते हैं ताकि आपको और ज़्यादा डिटेल में इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यदि आपके भी कोई क्वेरीज है तो आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिखिए और हम जल्दी कोशिश करेंगे आपके इन सवाल के जवाब देने के लिए। थैंक यू।